हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। कल आप मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। कल देखिए अब बारिश आएगी बहुत, अभी अभी बंद हुई है वैसे तो। और ये चिराग आ गया, चिराग नाच के दिखाएगा गाइस आपको। देखिए देखिए गाइस, ये चिराग नाच रहा है, इसका ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। हेलो का तो हेलो, हेलो गाइस, तेज बोलो। और ये अब बारिश आएगी बहुत तेज, बादल भी। दोस्तों और आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका मनोज चौहान ब्लॉग में, अभिनंदन है दोस्तों आपका दिल से। तो दोस्तों और ये शाम और ये एक तक बना के लाएगी चाय, तो आप चाय पी लीजिए दोस्तों। तो हम पी रहे हैं चाय और आज जो है हम दोनों की थोड़ी तबीयत खराब है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, रोटी तो अच्छी लगी, कड़वी लग रही है बुखार में। तो ये बंद मंगाए थे हमने, तो आज बंद खाएंगे चाय के साथ। तो खा लो आप भी बंद, और चाय से बंद बड़े स्वाद लगते हैं। और बुखार में जो रोटी आपको पता ही होगा, ये देखिए बंद। और आपको पता ही होगा बुखार में जो है रोटी जो होती है कड़वी लगती है। फिर दवाई भी ले रहे ना खा के, और आज पानी भी नहीं आ रहा। पानी भी नहीं आ रहा, पानी प्रॉब्लम ज्यादा होती है आपको पता ही, गर्मी में नहीं, एक आधे घंटे के लिए आ रहा है पानी, वैसे नहीं आ रहा। अबे जी हम किचन में। राम राम जी, क्या बन रहा है? एकता टिंडे। अच्छा तो टिंडे बन रहे हैं। तो जी ये बन रहे हैं टिंडे, और ये कट चुके हैं, एकता काट दिए। हाँ ये टिंडे काट दिए, टमाटर काट रही हूँ मैं, प्याज बन रही है। और ये प्याज जो है कढ़ाई में डाल चुके एकता, और ये ब्राउन हो चुकी है ना, होने वाली है, थोड़ी सी कसर बाकी है। और जी बन रहे हैं टिंडे, लहसुन छीलूंगी, नमक मिर्च वही जो मसाले डालते हैं हम। ये रेडी हो गई प्याज, ये देखिए रेडी हो गई है ये प्याज ब्राउन, ये जी ब्राउन हो गई है प्याज। टिंडे प्याज में जो है डल चुके हैं, ये सब फ्राई होंगे ना प्याज में, उसके बाद मसाले डालेंगे, ये होएंगे फ्राई। इसमें फ्राई होने के बाद जो है इसमें डालेंगे मसाले। अब तो ये इसमें ही थोड़ी देर फ्राई होंगे, 10 मिनट इसमें फ्राई होंगे, ये हल्के ब्राउन ये हो जाएंगे, तो डालेंगे इसमें मसाले। अनेक सर हाँ, इसलिए मैं काट रही हूँ, टमाटर काट लिए मैंने, हरी मिर्च लहसुन काट रही हूँ। टमाटर काट ही चुकी है एक था, अब हरी मिर्च और लहसुन कटेगा। ये काट रही हूँ मैं, देखिए जी ये हो गए हमारे, ये हो गए ब्राउन टिंडे, टिंडे हो चुके हैं बिल्कुल। इसमें हरी मिर्च प्याज चुके हैं, टमाटर डालने हैं मेरे को, और ये डल गए हैं। अब क्या क्या डालेगा? हरी मिर्च और टमाटर, हरी मिर्च टमाटर डल गए हैं अब इसके ब्राउन होने के भुनने के बाद। अब मैं मसाले डाल दूँगी इसमें, मसाले में हल्दी पाउडर मसाले में डल चुका है, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर और हल्का सा गरम मसाला। सारे मसाले डल चुके हैं, और ये नमक और लहसुन में अभी कूट दिए थे, ये लहसुन में थोड़ा नमक डाल दिया जो उछले ना, है ना, है ना। इसका ये देखिए 2 घंटे हो जाएगा, जल्दी हो जाता है, इससे लहसुन जल्दी कूट जाता है और बारीक कूटता है, और बारीक भी कूटता है। सही बात है, ये देखिए ये देखिए बारीक कूटता है इसके अंदर, ये देखिए 5 मिनट में, और हाँ 5 मिनट में लगे हैं, जल्दी कूट जाता है थोड़ा नमक डालने से। अभी थोड़ा डाला इसमें पानी, नमक डाल रखा है, ये डाल देंगे, और ये भी डल गया टिंडों के अंदर। ये इतना मसाला भुनेगा, इसमें नाम भी तो अलग सा, ये सब कुछ अलग सा टिंडे है ना, देसी टिंडे हैं। ये आप गर्मियों में आते हैं ना देसी टिंडे,
हाँ जी, तो ये है देसी टिंडे, ये बढ़िया लगते हैं, तरीदार बढ़िया होते हैं। एक चप्पल टिंडा होता है, हाँ एक चप्पल टिंडा और दूसरा एक ही देसी, हम तो देसी वाले ही खाते हैं। अच्छा, देसी वाले टिंडे हैं। हम देसी आदमी तो देसी चीज़ें खाते हैं ज़्यादा, अधिकतर धनिया लेके आते हैं, देसी चीज़ पसंद है। तो आप डालेगा इसमें धनिया, ये देखिए जी कितनी अच्छी लग रही है सब्जी, देखिए। और ये मैंने धनिया धो लिया है, ये धनिया इतना धो चुकी है, और ये अब डल रहा है धनिया, हरा धनिया, हरा धनिया ही तो अच्छा लगता है इसमें। जिस सब्जी में हरा धनिया डल जाए उसकी जो टेस्ट ही बदल जाता है, उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है उसका। ये जी डल गया हरा धनिया, देखिए जी सोने पे सुहागा लग रहा है, कितनी देखिए सब्जी कितनी अच्छी लग रही है। इसको चाहे तुम सूखा भी बना सकते हो, सूखी भी खाते हैं ना। अच्छा, चाहे तो सूखी सब्जी रखी है, सूखा भी रख सकते हो। अच्छा अच्छा, तरी वाला हो तो तरी वाला भी रखते। जिसको खाना हो सूखी सब्जी रखी है, जिसको तरीदार खाना हो तरीदार रखी है ना। हाँ, हम थोड़े हल्के से तरी वाले रखते हैं। ये भी इसमें हो जाएगा, ये अपने मसाले भुनेंगे, फिर 5 मिनट बाद पानी डाल देंगे इसमें। तो ये मसाले भुनेंगे, उसके बाद जो थोड़ा पानी डाल देंगे। ये जी भून गए हैं मसाले, हमने इसमें डाल दिए पानी, देखिए मसाले भुने, घी अलग हो गया है, घी बिल्कुल अलग हो चुका है, देखिए यानी मसाले भुन चुके हैं। अब मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, ऐसे तो टिंडे भुनने में ही हो जाते हैं, हल्की सी वो रहती है इसमें, देखिए ज़्यादा नहीं है, हल्की सी वो है इसमें कसर हो जाएगी। तो 10 से 15 मिनट में, हाँ 10 मिनट में हो जाए जी। देखिए हो गई है मेरी सब्जी तैयार, ये देखिए ऐसी हल्की सी तरी वाली बनाई है मैंने, और अब मैं ये आटा गूंदूंगी। सब्जी हो गई जी रेडी, देख कलर कितना प्यारा हुआ है इसका, और अभी तो कलर और आएगा इसमें है ना एक तरह। हाँ, ये आटा गूंदूंगी इतने, और जी ये अब गूंदेगा आटा, एक तरह गूंद रही आटा। सब्जी हो चुकी है रेडी, इसको हम ढक देंगे,